अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। रात को जैसे ही मैंने व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। और आपने अगर लास्ट ग्रोसरी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देख लीजिएगा और लाइक मस्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी मस्ट कीजिएगा। यहाँ पे कल ग्रोसरी के साथ ही हम ये दालें वगैरह भी ले आए थे और इसको अब मैं खोल रही थी पैकेट्स ताकि अब इसको भिगो दिया जाए ताकि सुबह इजीली जो है वो जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि इनको प्रेशर में करना होता है तो टाइम लगता है। यहाँ पे मैं चने की दाल थी, मसूर की दाल थी, मूंग की दाल थी और माश की दाल थी। इन सबको गंदम जो थी वो हमने 1 किलो ली थी और बाकी जो थी वो पाव पाव दालें थी जिसमें मसूर की दाल थी, मूंग की दाल थी और माश की दाल थी। ये दालें थी और ये पाव पाव दालें थी और इनको मैंने दालों को जो है वो सारी दालों को एक चीज़ में भिगो दिया था और गंदम जो है वो अयादा में भिगो दिया था। वहाँ पे मैं जो हूँ देखिए मैं दालें वगैरह ऐड कर रही थी और देख रही थी कि ये सही हैं और फिर उसके बाद इनको मैंने पानी में डाल के भिगो दिया था। एक्चुअली मैं वॉइस जो है वो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पे वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा शोर था, फैंस चल रहे होते हैं, इसकी वजह से जो है शोर की वजह से उस टाइम लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, इसीलिए वॉइस रिकॉर्डिंग मैं अब कर रही हूँ। आज 9वीं मुहर्रम है और यहाँ पर जो है हम लोगों ने दालों को रात को भिगो लिया था, कुकर में भी बॉयल आउट कर लिया था। उसके बाद जब सारी गल गई थी तो ये हम लोगों ने ग्राइंड कर ली थी और साथ में प्याज भी ग्राइंड छिलके वगैरह उतार के और प्याज को भी हम लोगों ने वो ग्राइंड कर लिया था छोटे छोटे पीस में। यहाँ पे टमाटर थे और ये जो है हम लोगों ने गोश्त की हलीम थी और गोश्त को जो हम लोगों ने बॉयल आउट कर लिया था। इसमें हम लोगों ने प्याज डाला था, टमाटर डाले थे, थोड़े से मसाले जार डाले थे जिसमें गर्म मसाला, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्ची और नमक, जिस तरह आप लोग मसाला भून लेते हैं उस तरह भूना था। उसके बाद गोश्त को निकाल के उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना ली थी और उसको जो है हम लोगों ने सारी चीज़ें मिक्सर बनाया हुआ था, दालों का ग्राइंड किया हुआ था, उसको हम लोगों ने चूल्हे पर चढ़ा दिया था। उसके अंदर हम लोगों ने ये जितना भी उसका मसाला था वो हम लोगों ने डाल दिया था और बोटियाँ वगैरह बीच में डाल के, तो उसको जब तक वो थिकनेस थोड़ी सी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों ने उसको पकाते रहना और फिर हमारी यूं हलीम प्रिपेयर हो गई थी। ये छोटे से मिनी व्लॉग है तो इसको कंप्लीट देखिएगा और इस तरह हम लोगों ने बनाई थी। और ये खीर की रेसिपी है, खीर की रेसिपी इसीलिए शेयर नहीं हुई क्योंकि दो काम एक साथ किए जा रहे थे तो एक मोबाइल को देखना नहीं हुआ तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये ऐसे हम लोगों ने खीर जो है ऐसे डाली थी और ऐसे ही हम लोगों ने आज बांटी है और ये इस तादाद में जो है वो खीर बनाई की थी। तो आप लोग लाजमी वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।